हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद अच्छे होंगे। और मैं हूँ इस वक्त मुंबई में, और मुंबई के बारे में दो बातें बड़ी मशहूर हैं। यहाँ रहने को और खाने को मिल जाए, समझो बहुत कुछ मिल गया। रहने के लिए मिलना बहुत मुश्किल है, खाने को तो आप कहीं रेहड़ी पटरी से अच्छा बुरा जैसा मर्जी खा भी लेंगे, बट एक क्वालिटी फूड का मिलना और उसके बाद में फिर अकोमोडेशन के लिए अच्छी जगह का मिलना यहाँ काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का बहुत ही जो एक बड़ी आबादी वाले जो शहर है उनमें इसका नाम शुमार है। इसलिए यहाँ माइग्रेशन लेबर बहुत सारे लोग इधर उधर के स्टेट्स आके यहाँ रोजगार में की तलाश में रहते हैं, अच्छे खासे प्रोफेशनल्स भी यहाँ काम करते हैं, तो उनके लिए क्वालिटी फूड का मिलना और क्वालिटी अकोमोडेशन का अवेलेबल होना एज कम्पेयर टू अदर सिटीज कॉस्टली हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह की चीज़ों का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, मिलता है बट वो कंपेरेटिवली उसका कॉस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। सो मैं यहाँ जिस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ इसके बारे में कितना इसका अप्रॉक्स रेंट है, क्या यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, मैं आपको अभी इसका टूर कराऊंगा। सो इस अपार्टमेंट की कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये लिफ्ट है और इस बिल्डिंग का नंबर है बिल्डिंग नंबर 2, और ये फर्स्ट फ्लोर पे है। 103 मेरा फ्लैट नंबर है, ये आप देखें 103 है। यहाँ पे हमारा शूज रैक है, जूते जो है हम यहाँ पे इधर रैक में रखते हैं। ये इधर में कूड़े के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसका यूज़ करने की, क्योंकि हम वो उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एंट्री होती है फर्स्ट रूम, ये 1 BHK है। सबसे पहले लॉर्ड गणेशा का यहाँ पे एक मूर्ति है, उसके बाद में यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है। हमसे पहले जो लोग रह रहे थे वो इसका यूज़ करते थे। इधर भी लॉर्ड गणेशा का एक छोटा सा आइडल रखा है। इसके बाद ये है प्रगति का प्रतीक, दौड़ते हुए घोड़े, बट मुझे नहीं लगता ये हमसे तेज दौड़ पा रहे होंगे, कि सुबह उठना, अलार्म की पहली रिंग बजते ही उठना, फटाफट से तैयार होना, बस पकड़ना, बस पकड़ते ही कंपनी में पहुंचना। ये यहाँ में सुबह में ट्रैफिक कम होने की वजह से भी अप्रॉक्स 1 घंटा जो है हमारा लगता है ऑफिस पहुंचने में, शाम को तो लगभग 1.5 घंटा या कभी उससे ज़्यादा भी लग जाता है अगर इधर कोई जाम वगैरह में लग जाता है, फंस जाता है बस, तो उसकी वजह से। इसके बाद यहाँ से शुरुआत होती है। ये मेरा बेड है, इस पे मैं विराजमान रहता हूँ। मेरा आई डी कार्ड भी पड़ा है, बट अब जल्दी ही मैं इस कंपनी को बाय बाय बोलने वाला हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए है, फैन का लाइट का कंट्रोल मेरे हाथ में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पावर का, कब लाइट चलानी है, कब पंखा चलाना है, ये सब। ये सामान रखने के लिए है, और ज़्यादातर टाइम इसमें पर्स वगैरह ये सब चीज़ें रखी रहती हैं, कुछ फालतू के इस फ्लैट के बिजली के बिल वगैरह ये सब चीज़ें हैं, उस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये फर्स्ट रूम के लिए वॉशरूम है, ठीक है। जनरली ये वॉशरूम मैं और मेरा दोस्त यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इस फर्स्ट वाले रूम में रह रहे हैं। इसमें गीजर लगा है, सारी बेसिक सुख सुविधाएं इसमें है भाई। सर्दियों में ठंडे पानी, वैसे तो मुंबई में सर्दी नहीं है, हम यहाँ रात में भी फैन चला के सो रहे हैं, और नॉर्थ में भी सारे लोग, जैसे भी दिसंबर का महीना है तो वहां पे हरियाणा में या नॉर्थ इंडिया में किधर भी लोग हैं ये सब यूज कर रहे हैं, रूम हीटर वगैरह, क्योंकि सर्दी ज्यादा है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये बंद करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े कॉकरोच है जो इधर पीछे से आ जाते हैं पाइप से चढ़ के, इसलिए इसको बंद रखते हैं। ये है किचन एरिया, किचन में जरूरत की छोटी मोटी चीजें हैं, ये गैस है, और इसके बाद बाकी सारी चीजें हैं यहाँ पे, बट हमें कोई चीज का इस्तेमाल नहीं करना, हमें जरूरत नहीं है, तो इसलिए इधर उधर इसको रखा हुआ है। क्या भाई, ये वॉश बेसिन सिंक वगैरह सब इसमें चीजें रखी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि ये हमें वेल फर्निश्ड मिला है। ये फ्रिज है, हमें तो इस फ्रिज की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम टाइम यहाँ रहना रहा होता है, तो अभी नॉर्मल पानी पी रहे हैं, फ्रिज की जरूरत नहीं है। इसमें भी लाइट वगैरह सब चीज है एकदम। बाहर में इस जगह पे रखी है वॉशिंग मशीन, ये लाइट कम है इसलिए शायद आपको कम दिखे, ये सैमसंग का वॉशिंग मशीन है, फुली ऑटोमेटिक, कपड़े डाल दो, डिटर्जेंट पाउडर डालो, उसके बाद आप टाइमर सेट करके कुछ भी मस्त अपने मोबाइल लैपटॉप पे लग जाओ, ये आपको कपड़े धो देगा जो टाइमर आप सेट करोगे उसके बाद। ये है एक छोटी सी गैलरी यहाँ पे, यहाँ से बाहर का नज़ारा मिलता है। ये जिस टावर में मैं हूँ, ये बिल्डिंग जो है 18 मंजिल की है, तो इस यहाँ से सही व्यू दिख नहीं रहा है इसका, मैं दूसरी बालकनी से दिखाऊंगा। किचन के बाद चलते हैं सेकंड रूम में। यहाँ पे एक बेड है, अभी तो कपड़े वपड़े इधर उधर पड़े हैं, क्योंकि इसमें अभी रहने वाला जो बंदा है वो ऑफिस से आया नहीं है। एसी है, फैन है, सामने अलमीरा है, टीवी है, बट हमें ज़रूरत नहीं है टीवी का, उधर हैंगर है कपड़े टांगने का। सेकंड पर्सन जो है उसके लिए भी यहाँ पे सेपरेट वॉशरूम है, ठीक है। सेम चीज़ें इसमें भी है, जो गीजर वहाँ पे था वो सारा गीजर इधर भी है, नॉर्मली जो एक यूज़ की बकेट वगैरह है सब कुछ हमें एज इट इज़ मिला है। एक मेरे दोस्त के कपड़े लटके हुए यहाँ पे,
ये बुक सेल्फ वगैरह हो, किसी का लैपटॉप या कोई ऐसी जरूरत की चीज़ यहाँ रखनी हो उसके लिए है। तो दो लोग यहाँ इजीली रह सकते हैं, बट हमें दो लोग की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंगल सिंगल ही रह रहे हैं। यहाँ से दिखता है बाहर का नज़ारा, ये यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, जैसे अभी भी खेल रहे हैं, और कुछ औरतें या कुछ और ओल्ड एज लोग जो होंगे होते हैं, जिनको खाली टाइम में घर से बाहर आके बैठना होता है, वो आके उस एरिया पे बैठते हैं, बातें करते हैं, कुछ लोग टेलीफोन वगैरह पे बात करते हैं। मॉर्निंग टाइम में भी लोग यहाँ पे ऐसे ही जॉगिंग करते हैं, यहाँ से घूमते फिरते हैं। अभी देर शाम को भी यहाँ बच्चों को वॉकिंग ट्रॉली में डाल के कुछ औरतें और ऐसे जिसको जो ज़रूरत है वो आके यहाँ पे घूमना फिरना ये सब चलता रहता है। ये बिल्डिंग 18 माले की है, यहाँ से तो नहीं दिखेगा, बट मैं आपको दूसरी लॉबी से जाके ये दिखाऊंगा। अब चलते हैं वापस रूम नंबर 1, या आप इसको वरांडा कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ से ये दूसरा बालकनी है, छोटा बालकनी, यहाँ पे हम कपड़े वगैरह धुल के सुखा देते हैं, ऐसे तो ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। और यहाँ से ये बिल्डिंग दिखती है, इसके आपको दिखेंगे पूरे के पूरे 18 मंजिल, ठीक है भाई। ये मुंबई की एकदम कंजेस्टेड ज़िंदगी है, बहुत कंजेस्टेड लाइफ है यहाँ पे, हर जगह आपको इंसान नज़र आएंगे, गाड़ियाँ, ट्रैफिक, हर जगह भीड़ है। ऑफिस जाने में सुबह बहुत मुश्किल है, बहुत रोड पे ट्रैफिक है, हर आदमी यहाँ पे बस का इंतज़ार करता है, आपको रोड साइड दिखेगा, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है डीबी ओजोन सोसाइटी में है, और डीबी ओजोन सोसाइटी मीरा भयंदर मेन हाईवे पे है, जस्ट लेफ्ट हैंड को है। इन सारे कुल मिला के टावर्स में लगभग 4000 फ्लैट्स हैं, और 4000 फ्लैट में 1BHK, 2BHK और 3BHK तक के फ्लैट हैं, 4BHK भी हैं कुछ एक टावर्स में। बट अगर 1BHK का ऑन एन एवरेज मान लिया जाए कि 1BHK फ्लैट में 3 लोग रह रहे होंगे, तो सीधा सीधा मतलब 12000 लोग इस जगह पे रहते हैं, मतलब इस कैंपस में रहते हैं। 12000 का मतलब है सिंगार गांव यहाँ बसाया जा सकता है आराम से, या कोई भी बड़ा गांव, जैसे एक आइडिया है कि सिंगार गांव की आबादी मेवात में हरियाणा में 12000 लगभग उतनी वोटें हैं वहाँ, इतना लोगों के लिए रहने के लिए ये एक सफिशियंट जगह है। अब बात कर लेते हैं इस फ्लैट के रेंट की। फ्लैट का रेंट है लगभग 18 से 20 हजार रुपये, बट हमको एक पैसा देना नहीं है, कि ये हमें दिया हमारे ऑफिस ने। मैं और मेरे 3 कलीग्स हम हैदराबाद से यहाँ आए हैं शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट पे काम करने, टेक्निमोंट मायरा टेक्निमोंट करके यहाँ पे एक कंपनी है वेस्ट मलाड में इटली की, तो वहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम आए हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है। हमारी कंपनी ने ये अकोमोडेशन हमें यहाँ पे दिया है, और तो इसलिए हमें इसका कोई पैसा देना नहीं, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, ना वाटर बिल, ना एसी, कुछ भी चलाओ कोई मसला नहीं है। तो ये इस फ्लैट के बारे में है, ये 1BHK का फ्लैट है, तो 18 से 20 हजार रुपये इसका रेंट है, जैसे हमारे एक जो लोकल यहाँ पे ब्रोकर है या एजेंट है हमारी कंपनी का, उसने हमें बताया, और उन्होंने वहाँ से आने वाले ट्रेनीज के लिए या एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे 2BHK से 3BHK तक के फ्लैट भी बुक किए हुए हैं, रेंटेड ही हैं ऑलमोस्ट सारे। तो वो कितना रेंट पे करते होंगे वो तो एक रफ सा आइडिया लग सकता है इस चीज़ से। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा एक यही मकसद था कि यहाँ पे अगर आप क्वालिटी अकोमोडेशन में रहना चाह रहे हैं, आपको एक अच्छी जगह अच्छी सोसाइटी में रहने को मिले, तो उसके लिए आपको अपनी जेब अच्छी खासी ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि मुंबई हिंदुस्तान के बहुत ही एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ में से एक है, इसलिए यहाँ बहुत सारे स्टेट से लोग आके काम करते हैं और वो पैसे कमाते हैं, जाहिर बात है फिर उनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, तो उसके लिए इस तरह की सोसाइटीज़ में आके वो लोग फ्लैट्स लेते हैं, रेंटेड फ्लैट लेते हैं, या कुछ ऑनर भी बन जाते हैं अपना और इन्वेस्टमेंट करके, इस तरह से यहाँ की ज़िंदगी गुजर बसर होती है। उम्मीद है आप सबको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।